हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इंडिया डीटीएच इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है अजित कुमार। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथ में ये मदरबोर्ड है दोस्तों, एमपीजी टू रिसीवर का। दोस्तों, ये बार बार ख़राब हो जाता है, तो क्यों ख़राब होता है आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को दबा दें, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आप लोगों के बीच में लाता रहूँगा। दोस्तों, ये मल्टीमीटर है दोस्तों, इसको डीसी वोल्टेज चेक करना है। तो यहाँ से दोस्तों, यहाँ से 200 वोल्ट पे कर देंगे या 20 वोल्ट पे। तो चलिए आपको बताते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि ये दोस्तों मतलब ख़राब हो जाता है। डेड होने का कारण ये दोस्तों, आपको एक कंपोनेंट है दोस्तों, उसको मैं बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। पहले आपको इसमें दिखा देता हूँ, ये सेटअप बॉक्स हमारे पास है, एमपीजी टू रिसीवर देख सकते हैं, वही दोस्तों मदरबोर्ड लगा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों एक आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, देख सकते हैं ये वाला कार्ड है दोस्तों। तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर एक देखने को मिल जाता है, रेगुलेटर आईसी भी बोल सकते हैं इसको, ट्रांजिस्टर है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये वाला। तो दोस्तों, इसी के कारण दोस्तों ये आपका मदरबोर्ड है, ये ख़राब हो जाता है। दोस्तों, ये कितना वोल्ट देता है आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ दोस्तों, मल्टीमीटर चेक करके। तो वीडियो को एंड तक देखिए दोस्तों। मैंने तो मीटर का दोस्तों, मल्टीमीटर का दोस्तों, जो यहाँ पे 20 पे कर दिया है, देख सकते हैं यहाँ पे 20 वोल्ट पे, कि हमारा दोस्तों इसमें कितना वोल्ट आ रहा है। तो चलिए फटाफट से आपको दिखाते हैं और आपको चेक करके भी दिखाएंगे, तो वीडियो पे बने रहे। तो दोस्तों, हमारा जो प्लग है इसको हम लगा देते हैं, और हमारा जो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लाइट आ चुकी है, देख सकते हैं ऑन हो चुका है, देख सकते हैं। अब इसमें हमको चेक करना है कितना वोल्ट देता है दोस्तों, वही जो रेगुलेटर आईसी है उसी में दोस्तों गड़बड़ी हो जाती है, तो आपका जो सप्लाई है वो ऑन नहीं होता है। तो दोस्तों देता है कि हमारा जो सेटअप बॉक्स है वो ऑन नहीं होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसको लगा देंगे, और यहाँ पे मल्टीमीटर दोस्तों हमारा लगा हुआ है, और इसी में आपको दिखाते हैं कि कहाँ से प्रॉब्लम होता है कि हमारा जो लाइट है वो नहीं आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे चेक करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे 1 वोल्ट के करीब आपको देखने को मिल जाता है, देखते रहिए यहाँ पे। जैसे ही प्लग को मैं ठेकाऊँगा, तो ये ग्राउंड में ग्राउंड ठेका दिया, यहाँ पे ठेका दीजिए यहाँ पे दोस्तों, ये इसका जो यहाँ पे जो कि ये रेगुलेटर आईसी है, इसको यहाँ पे इसको लगा देना है ग्राउंड में, और एक को यहाँ बीच में, देख सकते हैं 1.21 वोल्ट के करीब मिल रहा है यहाँ पे वोल्टेज। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों ये बिचला ग्राउंड है, और सबसे अरियाला दोस्तों इसमें देख सकते हैं 1.77 वोल्ट देखने को मिल जाता है दोस्तों, ये आपको दिखाई दे रहा है। इसी के कारण आपका जो मदरबोर्ड है ये ख़राब हो जाता है दोस्तों। ये वाला यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं, ये वाला यही ख़राब हो जाता है, तो आपका जो सेटअप बॉक्स है ये ऑन नहीं हो पाता है। तो आप क्या कीजिए, दूसरे मदरबोर्ड से इसको निकाल दीजिए और यहाँ पे लगाकर देख लीजिए, 100% दोस्तों ये दोस्तों ख़राब होगा तो सॉल्व हो जाएगा दोस्तों, आपका जो कार्ड है ये चालू हो जाएगा। इसको आप बदल कर एक बार देख लीजिए, यहाँ पे ट्रांजिस्टर आपको देखने को मिल जाता है, इसी ट्रांजिस्टर को। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आप लोगों के बीच में लाता रहूँगा, और वहाँ से आप जाकर वीडियो देख पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।